बाहर से जल्दी जा। माँ ने गाय का दूध धो लिया होगा, समिति में दूध दे के आना है, बाद में आऊंगी। माँ दूध धो लिया क्या? हाँ ये ले, जल्दी से ले जा। ये क्या, आज फिर दूध कम है? हाँ मैं पी गई, जा जल्दी ले जा दूध। ये लो चाचा। ले आई बेटा, ला इधर रख दे और बैठ जा। अरे ये क्या पुष्पा, आज फिर दूध कम है? मैंने भी माँ से पूछा था, श्यामा ने इतना ही दूध दिया है। बेटे दूध रोज घटता जा रहा है, कहीं तू बाहर तो नहीं बेच आती? नहीं मैं नहीं बेचती, इसके लिए तो माँ भी परेशान है। कहीं तेरी श्यामा को थनेला तो नहीं हो गया? देखने से तो नहीं लगता चाचा। अरे पागल लड़की, रोग के शुरुआत में कुछ मालूम नहीं देता, धीरे धीरे करके दूध कम होता जाता है। अच्छा रुक। ये क्या है चाचा? ये मैस्ट्रिप है, इसे आयुर्वेद ने दूध की जांच के लिए खास तौर पे पत्ती तैयार की है। इस पर दूध डालने से यदि रंग पीला हो तो पशु स्वस्थ है, उसे कोई रोग नहीं, और यदि रंग हरा हो तो थनेला की शुरुआत है, और यदि रंग बेटे गाढ़ा हरा हो तो पशु का रोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बेटे यदि रंग नीला हो तो समझ लो कि पशु पूरी तरह से थनेला की चपेट में है। एक बात का ख्याल रखना है बेटे, इस पत्ती पे गीला हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, और शुरू की 3-4 धार को छोड़ के इस पर दूध डालो और 15 सेकंड के बाद इसका कमाल देखो। ये तो कमाल है चाचा। समझ गई ना बेटा? हाँ। ठीक है अब तू जा और अपने दूध के चोर को पकड़ ले। चाचा अगर मेरी श्यामा को थनेला हुआ तो? चिंता मत कर बेटी, यहीं डेयरी पर कल डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तेरी श्यामा का इलाज हो जाएगा। ठीक है चाचा मैं जाती हूँ और दूध के चोर को पकड़ के लाती हूँ। शाबाश। माँ जरा रुक जा। क्यों? मुझे दूध का चोर पकड़ना है। दूध का चोर? हाँ अभी रुक जा। माँ दूध का चोर पकड़ा गया, मैं अभी आती हूँ। अरे कुछ खा पी तो जा, सुबह सुबह बिना खाए क्यों जा रही है? आकर खाऊंगी, इसमें चाचा के पास जा रही हूँ। और कैसा चल रहा है बंसी? बस डॉक्टर साहब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इस वर्ष मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है। सब भगवान की कृपा है बंसी। भगवान की कृपा तो है ही, मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा हुई है। समय पर आकर आप हमें पशु स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, जिससे हमारे पशु स्वस्थ रहते हैं और बाल्टी भर भर दूध देते हैं। सभी पशु लंबे समय से भरपूर दूध दे रहे हैं और हमारे मुनाफे में भी वृद्धि हुई है। आप लोग अपनी मेहनत क्यों भूल जाते हैं? पर डॉक्टर साहब मेहनत तो। चाचा चाचा ये देखिए पत्ती का रंग हरा हो गया। भाई डॉक्टर साहब ये बच्ची अपनी गाय को लेकर बहुत चिंतित है। डॉक्टर साहब देखिए पत्ती का रंग हल्का हरा हो गया है, यानी थनेला की शुरुआत है। ये बीमारी बढ़ भी सकती है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, थनेला के कारण भारत में प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ का नुकसान होता है, और अगर एक बार पशु को थनेला हो जाए तो लगभग 2 से 2,500 रुपए का नुकसान होता है। अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो थनेला की रोकथाम शुरुआती अवस्था में ही करनी होगी। तो चलिए ना डॉक्टर साहब और मेरी श्यामा को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब बातें बातें सब बाद में होती रहेंगी, पहले आप जाकर इसकी गाय का इलाज कर दीजिएगा, नहीं तो ये छोड़ेगी नहीं। ठीक है जाता हूँ चलो। अच्छा नमस्कार डॉक्टर। अच्छा नमस्कार डॉक्टर। आइए आइए डॉक्टर साहब इधर से। अरे पुष्पा कौन है? माँ डॉक्टर साहब है। ये थनेला रोग की शुरुआती अवस्था है, इसमें थनेला के लक्षण दिखाई नहीं देते, परंतु पशु का दूध लगातार कम होता जाएगा। जी हाँ डॉक्टर साहब मैं भी बहुत परेशान थी। डॉक्टर साहब हमारी श्यामा ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ बेटा जरा साफ पानी लाना
कौन सी दवाई लगाई है आपने? इसका नाम मेस्टिलेट है। आयुर्वेद के द्वारा काफी वैज्ञानिक खोज के बाद बनाई गई। इसका लाभ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग उठा रहे हैं। ये थनेला के रोग में अत्यधिक प्रभावशाली है। एक चीज याद रखना पुष्पा, मेस्टिलेप को हल्के हाथ से थनों पर लगाना चाहिए। मेस्टिलेप लगाने के आधे घंटे तक पशु खड़ा रहे। वो क्यों डॉक्टर साहब? वो इसलिए कि अगर पशु जमीन पर बैठेगा तो मेस्टिलेप जमीन पर लग जाएगा और दवा अपना पूरा काम नहीं कर पाएगी। इसे कितनी बार लगाना चाहिए? जब रोग का पता चले तब से 5 दिन तक रोज, दिन में 2 बार मेस्टिलेप का लेप लगाना चाहिए। दूध निकालने के बाद थनों को साफ करके मेस्टिलेप का लेप लगाएं और साथ साथ संतुलित आहार दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थनेला रोग पशुओं को होता कैसे है? गंदगी के कारण। इसलिए पशु के रहने की जगह साफ रखनी चाहिए। दूध निकालने से पहले अपने हाथ साफ करें और थनों को भी साफ करें और दूध निकालने के बाद भी थनों को साफ करें। थनेला रोग की जांच के लिए हर 15 दिन में दूध की मेस्ट्रिप से जांच करें। डॉक्टर साहब, ये मेस्ट्रिप आती कितने की है? वैसे तो ये बाजार में भी मिलता है, लेकिन आयुर्वेद पशु पालकों की सुविधा के लिए मेस्टिलेप की हर ट्यूब के साथ मेस्ट्रिप मुफ्त दे रहा है। और ये एक और दवाई यूनिसेलिड, साथ में ये दवा भी पशु को 10 दिन तक देनी चाहिए। इस दवा से पशु की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और थनेला के दोबारा होने की संभावना काफी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, अंदर चलकर बाकी की बातें करते हैं। आइए बैठिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलती कहाँ है? कोई भी पशु की दवा की दुकान से। ये आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। डॉक्टर साहब, पशु के ब्याने के बाद मेस्टिलेप का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बिल्कुल, ब्याने के बाद भी 5 दिनों तक मेस्टिलेप का लेप करें, क्योंकि मेस्टिलेप का लेप पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इससे पशु को थनेला रोग होने की संभावना कम हो जाती है और दूध उत्पादन बना रहता है। क्या ये आयुर्वेद पशुओं के लिए और भी दवाइयाँ बनाती है? आयुर्वेद पशुओं की ही दवा बनाती है और आयुर्वेद की सारी दवाएं पारंपरिक ज्ञान और अनुसंधान पर आधारित है और इनकी जांच वैज्ञानिक तरीकों से भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य पशु चिकित्सकों द्वारा भी की जाती है। इसलिए ये अधिक फायदेमंद और असरकारी है। आयुर्वेद के संग जीवन में बहार के रंग। आयुर्वेद कंपनी की वैज्ञानिक खोज उत्पादों को लेकर हमेशा चलती रहती है और ये भारत की अकेली कंपनी है जो अपनी दवा यूरोप में भी बेच सकती है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट यूरोप में भी बिक्री के लिए रजिस्टर्ड है। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे गाय को देखने दोबारा कब आएंगे? अब थनेला रोग के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी इस रोग की डॉक्टरनी बन गई है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आ बेटा। देखिए चाचा, मेरी श्यामा ने कितना ढेर सारा दूध दिया है। शाबाश, देखा मेरी सलाह और आयुर्वेद की दवाइयों का कमाल कि तेरी श्यामा भी थनेला रोग से मुक्त हो गई। अब तू एक काम कर, गांव के घर घर में जाके इस रोग के बारे में सबको समझा दे। थनेला की समस्या बहुत भारी भारी, मेस्टिलेप और यूनिसेलेट के इस्तेमाल में समझदारी समझदारी, थनेला की समस्या समय पर जांच और करो उपचार करो उपचार, यही है अधिक दूध वे कमाई का आधार, थनेला की समस्या।